सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे HRMS रेलवे लॉगिन, और इस तरह से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी। इसमें हम अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और जो भी कैप्चा आएगा उसे भर के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उसे वेरीफाई करने के बाद इस तरह से आपकी ID खुल जाएगी। लेफ्ट साइड में लीव मैनेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। इसमें सबसे ऊपर है न्यू लीव एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो लीव एप्लीकेशन का फॉर्म आपके सामने खुलेगा, जिसमें सबसे ऊपर पूछा है नेचर ऑफ लीव, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको किस प्रकार की छुट्टी चाहिए, आपको CL चाहिए, LAP चाहिए, LHAP चाहिए, जो भी प्रकार की छुट्टी आपको चाहिए उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में किस तारीख से छुट्टी चाहिए वो तारीख इसमें भरेंगे, किस तारीख तक छुट्टी चाहिए वो भरेंगे। अगर एक ही दिन की छुट्टी चाहिए तो एक ही डेट दोनों जगह आ जाएगी। और फिर अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं जाना चाह रहे हैं छुट्टी में तो हेडक्वार्टर लीव भी लेंगे। अगर हेडक्वार्टर में ही है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम रीज़न डालेंगे छुट्टी लेने का, क्या कारण है, और अगर LHAP है तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी डालेंगे। उसको अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें लीव किसे फॉरवर्ड करनी है, उसका नाम डालेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। एक बार जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो फिर वो अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाती है, जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं। दोबारा लीव मैनेजमेंट में जाके माई लीव एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ फाइंड पे क्लिक करके आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि अप्रूव हो गई है या किसी के पास पेंडिंग है। थैंक यू।